इस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। कम बारिश का परिणाम वन्य जीवों पर हो रहा है। वन के प्राकृतिक जलाशय सूखने से वन्य जीवों का अभयारण्य समीप बफर जोन में भ्रमण बढ़ा है। इस कारण मनुष्य व वन्य जीव संघर्ष बढ़ने लगा है। वन्य जीवों का पानी व हरे खाद्य की खोज में खेत परिसर व गांव की बस्तियों में आतंक मचा है। कोका वन्य जीवन अभयारण्य जानवरों के विविधता समृद्ध है। तृणभक्षक जानवरों के साथ ही हिंसक जानवरों की संख्या भी अधिक है। बफर जोन में पिछले 3-4 वर्ष में बिजली तार के स्पर्श से तेंदुआ, रान भैंस, नीलगोड़े आदि जानवरों की जान गई है। मूल्यवान वन औषधि इसमें नामशेष होने से वन विभाग ने आग नियंत्रण टीम कार्यरत रखने व आग पर नियंत्रण रखने सीमा रेखा तैयार करने की आवश्यकता है। ग्रीष्मकाल में पानी के साथ ही हरा चारा उपलब्ध नहीं होता। प्राणी खेत परिसर में आतंक मचाते हैं। इसमें खेती का बड़ा नुकसान होता रहता है, किंतु किसानों को मिलने वाली भरपाई कम होने से वन कर्मचारियों की ओर से विविध कागजातों के नाम पर लूट होने से वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।